अभी ये जो आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, अब आपको ऐसा सोचना है ना कि आप एक ऐसे स्टेयर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो ऐसे होता है ना गोल चक्र वाली जो सीढ़ियां होती है। तो अगर आप नीचे वाले स्टेप पे चढ़े, सबसे नीचे वाले पे, फिर आपने जब चढ़ना स्टार्ट किया तो घूमते 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 जब ठीक उसी के ऊपर पहुंचे, तो हम लोग उसको वन टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वन टर्न है वो, एक टर्न है। ठीक है, सबसे पहली बार जो वन टर्न ऑफ डीएनए है उसके बीच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। याद हो गया? मतलब ईच टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। हर एक टर्न के पास कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। ठीक है, अब एक दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं, जो ये वन टर्न है, अभी मैंने क्या बोला, अब देखिए तुरंत कैसे डेटा निकलेगा इसका। अब अगर वन टर्न आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं और वन टर्न के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 नैनोमीटर, तो 3.4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेटा क्या आएगा? इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 3.4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.34 नैनोमीटर। क्या आएगा? 0.34 नैनोमीटर। समझ आया सबको, है ना? तो ये जो, बिल्कुल हाँ, बहुत आसान है। एक टर्न में जैसे याद रखेंगे ना कि 10 बेस पेयर होते हैं, बस उसके बाद जो सारी स्टोरी है वो अपने आप क्लियर हो जाती है, फिर वहां पे कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। अब इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। ईच टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर है इसके पास? 10 बेस पेयर। एक और चीज है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप रेलवे ट्रैक देखते हैं ना, तो वो पैरेलल है, दोनों पटरियां एक साथ साथ, जब ट्रेन उस पे से क्रॉस करती है तो एक साथ रन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो किसी स्ट्रक्चर में कि एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे है? ये एंटी पैरेलल। ठीक है, तो क्योंकि ईच टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, पहली बात, सारा पॉइंट जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, देन आपने अगला कंक्लूजन क्या निकाला? सो नहीं, ऐसे कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन वन टर्न ऑफ डीएनए बिकम्स 3.4 नैनोमीटर, सो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, टू बेस पेयर्स बिकम 3.4, देन डिवाइडेड बाय, लाइन नहीं आ रही है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 बिकम्स, अब आ जाएगा आपका 0.34 इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। हो गया ये डन?
और आप देखेंगे आपके बुक में जो नैनोमीटर है ना उसको एंगस्ट्रम में लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर एंगस्ट्रम में आपको लिखना पड़ेगा तो एंगस्ट्रम में लिखने के क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3.4 नैनोमीटर हमने लिखा ना, तो ये जो पिच जो है दैट बिकम्स 34 एंगस्ट्रम। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सही हो जाएगा। डेटा यही है, सेम है, नैनोमीटर में यही होगा, और जब एंगस्ट्रम में लिखना पड़ेगा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.4 वाला जो है वो 34 हो जाएगा, और 0.34 जो है दैट बिकम्स 3.4 एंगस्ट्रम, बस इतना सा है यहाँ, ठीक है? तो ये आपने क्या सीखा कि जो एक टर्न है उसमें 10 बेस पेयर है। तो अगर आपसे पूछा गया कि अगर 18 टर्न्स हैं तो उसके बीच में कितने बेस पेयर होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 है, 18 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा उसके बीच में। ऐसे करके क्या करेंगे आप, ये डेटा जो है, अब अगर कोई भी आपको क्वेश्चन देता है तो उसको आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब रही बात इसके एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होने के बारे में, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ना कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से ना एनालाइज करना है इसको, बस और कोई काम नहीं करना। एक्चुअली आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये जो पोलैरिटी है 5 प्राइम एंड इसका, तो इसका यहाँ क्या हो गया, 3 प्राइम एंड है, 3 डैश भी टीचर्स बोलते हैं इसको, यहाँ क्या है 5 डैश और यहाँ क्या है 3 डैश है। इसकी वजह से हमने क्या बोला कि ये कैसा है, ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। एक और डाउट होता है बच्चों को कि हाँ, इसको देख के बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं रीजन बताती हूँ कंफ्यूजन का रीजन क्या है। एक्चुअली ये जो आपके पास डायग्राम अवेलेबल है ना, तो जो ये शुगर का स्ट्रक्चर है, तो उसमें ये जो इसका आगे टिप जो आपको दिख रहा है ना, तो ये इस डायरेक्शन में है ना, तो बच्चों को लगता है कि रनिंग डायरेक्शन इज दिस, बट नॉट। हमेशा याद रखना है द रनिंग डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश। इसका रनिंग डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश है हमेशा। जो मूविंग डायरेक्शन है डीएनए का, ऑलवेज हमेशा आपको क्या याद रखना है, ये 5 डैश टू 3 डैश है। कैसा है ये, 5 डैश टू 3 डैश इसका स्ट्रक्चर जो है ये होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के साथ, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता तो हम बोलते कि वो क्या कर रहा है, एक एक साथ वहां पे रन कर रहा है, इधर भी 5 डैश होता और इधर भी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर किसी बच्चे ने डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे रफ में भी बनाया, बनाने के बाद क्या किया, अगर यहाँ भी 5 डैश रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ भी 5 डैश रिप्रेजेंट कर दिया, आप समझ जाइए कि वो टोटली रॉन्ग है, पूरा मिस्टेक है, और बनाया सही है, पूरी मेहनत करी है, लेकिन अगर दोनों एंड पे एक साथ 5 डैश लिख दिया गया तो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? हमेशा याद रखेंगे उसको। अब एक और चीज जो कि इसी डायग्राम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आगे की स्टेप में, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इस डायग्राम को देखना है और ध्यान से, और मुझे एक बात बतानी है यहाँ पे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसमें आमने सामने कौन है, शुगर है या दो नाइट्रोजिनस बेस आमने सामने है? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये नाइट्रोजिनस बेस जो है ये आमने सामने है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि इन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या इन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, आपको पता चल गया ना कि एंटी पैरेलल है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि द नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ इन्होंने अपना प्रोजेक्शन जो है वो कर रखा है। कई किताबों में स्टेटमेंट लिखा होता है नाइट्रोजिनस बेसेस आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है? क्या गलत है उसमें? नाइट्रोजिनस बेस जो है यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। फिर और ध्यान से देखिए, जब ये सामने फेस कर रहे हैं तो इसका क्या करें, फिर अगर हम यहाँ से ना इसको काट दें ऐसे करके, इधर वाले को गायब कर दें, तो क्या ये हवा में थोड़ी घूम रहा है भाई? डीएनए की आइडेंटिटी तो तब है ना कि सब, पहली बात तो ये कि शुगर नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट को आपने ऐड करा, ठीक है? तो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो जब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है तो क्या लाना पड़ेगा आपको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लाना पड़ेगा।
अब एक नाइट्रोजनस बेस को दूसरे के साथ जोड़ना है तो क्या लाना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड लेके आना पड़ेगा। तो जब ये इसकी आइडेंटिटी है तो बोला जाता है कि शुगर एंड फॉस्फेट मेक द बैकबोन ऑफ डीएनए। ये क्या कर रहा है, बैकबोन बनाने का काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए एक और स्टेटमेंट हम ये सारा, हाँ ये नीट के एग्जाम में 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ था, उसमें से बच्चों को 3 रॉन्ग दिया गया था, 1 राइट दिया गया था। ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शुगर एंड फॉस्फेट आर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब 3 ऐसे करके रॉन्ग दिया था और 1 सही दिया था। तो कैच तो आप तब करेंगे ना जब आपको आ रहा होगा, समझ गए। तो इस चीज को याद रखना है आपको, और ये है आपके पास डायग्राम इसी के रिगार्डिंग अवेलेबल है, तो स्टेटमेंट भी यही लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके। इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, और नाइट्रोजिनस बेसिस बेसिस आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और बॉन्ड तो आप जानते ही हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ, उसमें तो कहीं कोई चेंज है नहीं। सवाल ये उठता है अब क्या करें, फॉस्फेट और शुगर का क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं द बैकबोन, हेलो मैम, मैम हाँ जी ठीक एक बार साला से बात कर लीजिएगा। है सर। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर के बाद फिर फॉस्फेट है, फिर उसके बाद क्या है, शुगर है। शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, चेन बस ये हो गया। और यहाँ पे आपके सामने जो ये डायग्राम लगा हुआ है इसे और क्रिस्टल क्लियर है ये, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। यस मैम, डन। यस मैम।